हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की एन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर टेन जिसका नाम है टेंथ एंड हंडरथ टेंथ एंड हंडर्थ वट वॉज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज यहाँ पूछा है कि सबसे छोटी पेंसिल जो आज तक आपने यूज की होगी वो कितनी यूज की होगी ठीक है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल विच आई यूज वॉज फाइव सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल ये जो पेंसिल यहाँ दी गई है ये कितनी लंबी है ठीक है तो आपने मेजर करना है इसको स्केल से और फिर नापना है गैस करके मैं यहाँ पे बता देती हूँ मैंने अभी स्केल से नापा नहीं है तो मैं गैस करके लिखती हूँ कितनी होगी ये थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक ठीक है आगे बोला है कि मेजर करो स्केल से और बताओ हाउ गुड इज योर गैस कि ये गैस मेरा सही है या नहीं है तो आप जब इसको स्केल से मेजर करेंगे तो जितना आपका आएगा अगर थ्री पॉइंट फाइव के आजू बाजू आया होगा तो क्या लिखेंगे आप ंग इट टर्न जितना भी आएगा सेंटीमीटर लॉन्ग ठीक है अगर आस पास आया है तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे इसके सो आई मेड अ गुड गैस फॉर एग्जाम्पल बताती हूं जब मैंने स्केल से मेजर किया तो मान लो मेरा आया कितना थ्री पॉइंट सिक्स तक तो मैं क्या लिखूंगी यहां पर इसका आंसर ऑन मेजरिंग इट टर्ड आउट टू बी थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग सो आई मेड अ गुड गैस ठीक है तो मेरा जो गैस मैंने लगाया था वो लगभग लगभग ठीक था नेक्स्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने स्केल से मैजिन किया था थ्री पॉइंट सिक्स आई थी तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है इट्स मोर देन थ्री सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर से ज्यादा है स्केल अब स्केल से कैसे नापा जाता है स्केल में देखो कुछ इस प्रकार से दिए रहते हैं तीन और चार के बीच में ये छोटी छोटी डंडिया कुल कितनी होती है नौ ठीक है यानी कि अगर हम इसके डब्बों के हाफ देखें तो टोटल होते हैं दस डब्बे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ठीक है ये सारा कितने हैं दस डब्बों में डिवाइडेड है यानी कि हर एक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है टेन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है और ये टेन इक्वल पार्ट आपके क्या कहलाते हैं मिलीमीटर ठीक है ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं मिलीमीटर ठीक है अब देखेंगे सी आई एम थ्री एम एम लॉन्ग ये जो यहाँ पे चींटी दिखाई है ये कितनी है तीन मिलीमीटर बड़ी है कैसी ये देखिए वन यहां से यहां तक एक और दो और यहां तक तीन तो तीन डंडे इसने कवर किए तो क्या कहलाइए थ्री मिलीमीटर ठीक है यहां पे हम देखेंगे यहां से चींटी को अगर नापेंगे तो ये कितने सेंटीमीटर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने हैं सेवन तो यहां पे लिखेंगे हम सेवन मिलीमीटर्स ओके सेवन मिलीमीटर mm को सेवन टेंथ भी कहा जाता है मिलीमीटर का मतलब क्या होता है जैसे सेवन मिलीमीटर mm अगर हम लिखेंगे तो सेवन अपॉन टेन इस तरीके से भी इसका मतलब होता है इन सेंटीमीटर ठीक है सेंटीमीटर में इसका मतलब क्या होता है सेवन अपॉन टेन अगर हम सिर्फ मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये सिर्फ सेवन एम एम कहलाएगा ओके okay? तो यहां पे बताया है हमें नीचे नीचे दिया है वी कैन ऑल्सो कॉल हम कह सकते हैं वन टेंथ को जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर वन टेंथ का मतलब वन अपॉन टेन तो इसको हम क्या कह सकते हैं जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर ठीक है अपॉन टेन अपॉन हंड्रेड थाउजेंड इन सबको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो लिखते हैं ठीक है फिर जीरो के बाद वन है एक जीरो के बाद वन है तो एक नंबर के बाद क्या लग जाता है पीछे पॉइंट, फिर उसको कंप्लीट करने के लिए आगे हम जीरो लगाते हैं तो ये बन जाता है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर तो देखा जाए तो एक मिलीमीटर किसके बराबर होता है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर के बराबर होता है ठीक है आगे पेज में देते हैं क्या दिया हुआ है हमें वट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इस पेंसिल की लेंथ कितनी है आइए देखते हैं यहां से ये शुरू हो रही है तो एक दो तीन चार पाँच और छ कितने तक गई वो छ तक तो कितनी आएगी सिक्स मिलीमीटर ठीक है वट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में कितनी होगी तो हम क्या लिखेंगे सिक्स मिलीमीटर का मतलब क्या होता है अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाई टेन ठीक है अब डिवाइड बाई टेन कर दिया तो मैंने कहा था नीचे अगर टेन हो तो हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं पहले लिखेंगे सिक्स ठीक है नीचे जीरो के बाद वन यानी कि एक जीरो के बाद वन है दैट मीन्स एक नंबर सिक्स और इसके पहले एक पॉइंट और पॉइंट के आगे हमेशा क्या लग जाता है जीरो तो ये आ गया जीरो पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर इस तरीके से करना है अब आगे लिखा है फ्रॉक्स क्या आपने फ्रॉक्स को देखा है कहाँ देखा है कितने टाइप्स के फ्रॉग आज तक आपने देखे हैं क्या सभी फ्रॉग सेम लेंथ के होते हैं आइए हम आपको दो एग्जाम्पल्स देते हैं ठीक है क्या एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने गोल्ड फ्रॉक्स और बुल फ्रॉक ये दो टाइप के फ्रॉक हैं गोल्ड फ्रॉक क्या होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है इसकी लेंथ कितनी होती है जीरो पॉइंट नाइन सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है बुल फ्रॉक सबसे लंबे होते हैं इनकी लेंथ जाती है थर्टी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक ठीक है ये डिफरेंस होता है इनमें देखिए गोल्ड फ्रॉक हमारी नाखून जो होता है नेल्स उनके बराबर होता है और ये कितना बड़ा ये हमारे हाथ में भी नहीं आ रहा है तो ये इतना बड़ा होता है इनमें ये डिफरेंस है ठीक है आगे क्या क्वेश्चन पूछा है वट डज जीरो पॉइंट नाइन सेंटीमीटर मीन तो इसका मतलब क्या है इट इज सेम एज इन मिलीमीटर जब जीरो पॉइंट लिखा है तो किसके बराबर है ये नाइन मिलीमीटर के बराबर है और हम इसको क्या कह सकते हैं नाइन टेंथ ऑफ ए सेंटीमीटर ये भी इसको कहा जा सकता है राइट right? तो हम क्या लिखेंगे यस सो थर्टी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज सेम एज द थर्टी पॉइंट फाइव को हम कैसे लिखेंगे तो जो पॉइंट के पहले आता है वो हो जाता है सेंटीमीटर में ठीक है और जो पॉइंट के बाद आता है वो हो जाता है मिलीमीटर में यानी कि थर्टी सेंटीमीटर एंड फाइव मिलीमीटर इज द आंसर आगे लिखा है अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉक्स विल फिट ऑन अ वन मीटर स्केल ये जो मुझे दिए हुए हैं ठीक है वन मीटर स्केल में ऐसे इतने बड़े बड़े थर्टी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के कितने कितने मेरे आ सकते हैं अब जो मेरी एक मीटर की स्केल होती है एक मीटर किसके बराबर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर के ठीक है तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले तो वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है वन मीटर किसके बराबर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर होता है इफ हंड्रेड इज डिवाइडेड बाय थर्टी वी विल गेट हमें क्या मिलेगा थ्री एज अ ठीक है एंड टेन एज अंडर ठीक है जब हम थर्टी से क्योंकि थर्टी पॉइंट फाइव है तो मैंने अप्रोक्सीमेटली थर्टी से डिवाइड किया तो जब हम हंड्रेड को थर्टी से डिवाइड करेंगे यहां देखिए ये डिवाइड किया थर्टी को यहां पे आएगा थ्री थ्री जा सॉरी नाइन तो थर्टी थ्री जा नाइनटी माइनस किया तो कितना बचा टेन तो हमारा क्वेश्चन आया थ्री और रिमाइंडर आया टेन तो मैंने यही लिखा है इफ हंड्रेड इट्स डिवाइडेड बाई थर्टी वी विल गेट थ्री एज अ क्वेश्चन एंड टेन एज अ रिमाइंडर ठीक है तो लास्ट में इसका आंसर क्या लिखेंगे सो इट कैन बी सेड दैट थ्री टू फोर सच फ्रॉक्स कैन सिट ऑन कैन सिट ऑन वन मीटर स्केल तो हम कह सकते हैं कि तीन से लेकर चार तक या तो तीन या तो चार तक इसमें वन मीटर की स्केल में फिट आ सकते हैं ऑल राइट right. आगे क्वेश्चन देखते हैं इफ दे सिट इन स्ट्रेट लाइन अगर वो स्ट्रेट लाइन में एक के पीछे एक बैठेंगे हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल को कवर कर पाएंगे ठीक है तो हमें क्या पता है वन मीटर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर ठीक है लेकिन वन मीटर और वन मीटर अगर हम मिलीमीटर में लिखें, तो किसके बराबर होता है थाउजेंड मिलीमीटर mm के बराबर ठीक है वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर के और वन मीटर थाउजेंड मिलीमीटर के बराबर होता है तो छोटा वाला जो था वो जीरो पॉइंट नाइन सेंटीमीटर यानी कि क्या था नाइन मिलीमीटर mm के बराबर था तो हमने क्या करना है थाउजेंड मिलीमीटर mm होता है एक मीटर तो थाउजेंड यानी कि थाउजेंड को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ नाइन के साथ तो यहाँ पे मैं नीचे करके दे रही हूँ आपको थाउजेंड को डिवाइड करेंगे नाइन के साथ नाइन वनजा नाइन माइनस किया तो बचा वन एक जीरो आया फिर से नाइन वन जा नाइन माइनस किया तो बचा वन फिर से एक ज़ीरो बचता है तो आ गया ये और रिमाइंडर कितना बचा मेरा लास्ट में एक ठीक है ये मेरा डिवाइड किया तो आंसर कितना आया वन हंड्रेड एंड इलेवन तो लास्ट में आप लिखेंगे ये मैं आपको वर्बली बता देती हूँ आप लिखिए इफ थाउजेंड इज डिवाइडेड बाई नाइन मिलीमीटर देन वी गेट हंड्रेड एंड इलेवन एज क्वेश्चन एंड वन एज रिमाइंडर फुल स्टॉप सो इट कैन बी सेड दैट वन हंड्रेड एंड इलेवन स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर वन मीटर ठीक है ये आंसर आपने लिखना है नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम लेंथ ऑफ द नेल कितना दिया है टू सेंटीमीटर मतलब नेल मतलब ये जो हम कील लगाते हैं ना दीवार में उसको नेल बोलते हैं तो इस नेल की जो पूरी लेंथ दी है कितनी दी है टू सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर mm है तो अगर हम देखें टू सेंटीमीटर आया यहाँ पे तो मिलीमीटर mm को गिनेंगे तो तीन से एक कम है तो तीन से एक कम है दैट मीन्स किस पे होगा नाइन पे तो कितना आएगा टू सेंटीमीटर एंड नाइन मिलीमीटर ओके okay? और जब इस पूरे को मैं सेंटीमीटर में लिखूंगी तो सेंटीमीटर वाला पॉइंट से आगे और मिलीमीटर वाला पॉइंट के बाद तो ये कितना बन जाएगा टू पॉइंट नाइन सेंटीमीटर तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है ओके मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट आपको क्या दिया है एक लेडी फिंगर दी है ठीक है अब इसका क्या लिया है लेंथ ऑफ द लेडी फिंगर मुझे निकालना लेडी फिंगर क्या होती है भिंडी अब देखते हैं कितना सेंटीमीटर है स्टार्ट इसने वन से किया है ज़ीरो से नहीं किया है तो वन से हम देखेंगे वन से टू तक हो गया वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेंटीमीटर तक तो यहाँ तक हो रही है ठीक है फिर उसके बाद थोड़ा सा ये आगे जा रही है एट सेंटीमीटर से कहाँ तक आ रही है देखते हैं नीचे करते हैं इसको डॉट 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 यहाँ तक थ्री तक पहुँच रही है ठीक है तो ये कितना बनेगा मेरा एट सेंटीमीटर एंड थ्री मिलीमीटर ठीक है और इसको हम क्या लिख सकते हैं एट पॉइंट थ्री सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ओके अब आप सोचोगे कि ये तो नाइन के आगे है फिर मैंने एट के आगे क्यों लिखा इसलिए लिखा क्योंकि ये स्टार्टिंग जीरो से नहीं हो रहा है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वन से इसलिए एक घट जाता है ठीक है अगर यहाँ पे नौ दिख रहा है तो दैट मीन्स यहाँ तक आठ बन रहा है मेरा ठीक है क्योंकि ये यह यहाँ से जीरो से नहीं स्टार्ट किया इसलिए मैंने सेंटीमीटर इसका आंसर लिखा है आगे देखते हैं थर्ड में क्या दिया है यूजिंग द स्केल स्केल ऑन दिस पेज पेज इस page पे का यूज करके आपने फाइंड आउट करना है डिफरेंस इन द लेंथ बिटवीन द कैंडल वन एंड थ्री कैंडल वन और कैंडल थ्री के बीच में जो लेंथ का डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है आइए देखते हैं जब हमने मेजरिंग किया ठीक है तो हमने क्या देखा यहां पे कैंडल वन कैंडल वन का कितना लेंथ ये स्केल से आपने यहां तक इसको मेजर करना है ठीक है यहां से लेके नीचे तक तो जो भी कैंडल वन का लेंथ आएगा वो क्या करनी है आपने यहां पे लिखनी है ठीक है ये बच्चों आपने खुद करना है यहां से यहां तक स्केल का मेजर करके फिर यहां पे लिखो सेंटीमीटर और मिलीमीटर mm दोनों में ठीक है फिर उसको सेंटीमीटर में जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं अभी मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये मेजर किया तो यहां तक मान लो तीन सेंटीमीटर आ रहा है ये ठीक है तो आप इसको कैसे लिखेंगे थ्री सेंटीमीटर जीरो मिलीमीटर क्योंकि ये तीन पूरा आ रहा है तो अगर पूरा सेंटीमीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे थ्री पॉइंट जीरो सेंटीमीटर इस तरीके से ये लिखना है ठीक है बाकी फ्लेम फ्लेम होती है ये ऊपर वाला हिस्सा अब यहां से लेके मुझे यहां तक स्केल से मेजर करना है जितना आएगा पहले उसको आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखेंगे फिर पूरा पॉइंट करके सेंटीमीटर में तो बच्चों ये आपने खुद करना है इन तीनों कैंडल को स्केल से मेजर करना है ऑल राइट आइए आप करते हैं नेक्स्ट गैस एंड कलर द फर्स्ट कलर फर्स्ट द कलर द रॉड एज शोन हर एक रॉड को पहले कलर करना है जैसे दिया हुआ है विदाउट मेजरिंग बिना मेजर किए स्केल से पहले रफली कलर करना है ठीक है फिर बाद में चेक करना जो रॉड एक सेंटीमीटर से भी छोटी है उसको रेड कलर करना है तो मुझे दिख रहा है एक सेंटीमीटर से छोटी कौन सी है ये तो इसको रेड कलर करेंगे ठीक है और कौन सी छोटी दिख रही है नहीं ये तो मुझे एक सेंटीमीटर से बड़ी लग रही तो सिर्फ ये रेड कलर अब दूसरा जो एक सेंटीमीटर से दो सेंटीमीटर के बीच में उसको ब्लू कलर करना है तो यहाँ मैं इसको ब्लू करूँगी इसको भी ब्लू करूंगी इसको भी ब्लू करूँगी ठीक है नेक्स्ट जो दो और तीन के बीच में उसको ग्रीन करना है तो इसको ग्रीन करेंगे इसको भी ग्रीन करेंगे इसको भी ग्रीन करेंगे बस और बाकी जो तीन और चार के बीच में उसको ऑरेंज और तीन और चार के बीच में जो जो होगी उसको आप ऑरेंज कलर कर देना इस तरीके से ठीक है इसको ऑरेंज इसको ऑरेंज और बाकी तो मुझे बड़ी लग रही है आप रफली हमने इन तीनों को ऑरेंज कर लिया जब कलर आप कर लोगे फिर उसके बाद चेक करना स्केल से मेजर करके कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है ओके आइए अब करते हैं नेक्स्ट यहां दिया है गैस एंड ड्रॉ एंड मेजर पहले गैस करो फिर ड्रॉ करो फिर मेजर करो दी देंथ टू ड्रॉ दीज थिंग्स टू आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम इफ यू मेक द ड्राॅइंग यूज अ स्केल टू मेजर द लेंथ हुईंग शोज अ बेटर गेस यहां पर दो ड्राॅइंग बनेंगी एक जो आप बनाएंगे दूसरी जो आपका दोस्त बनाएगा ठीक है आपने एक चींटी बनानी है जो एक सेंटीमीटर से भी छोटी है जैसे मैंने यहाँ पे एक चींटी बनाई ठीक है ये मैंने चींटी बना दी मेरे हिसाब से ये एक सेंटीमीटर से छोटी है उसी तरीके से आपका दोस्त भी कोई चींटी बनाएगा उसने ये बनाई फिर आपने जब ड्रॉ कर लिया फिर आपने स्केल से मेजर करना है कि किसका सही है और किसका नहीं है ठीक है तो ये चीज आपने बच्चों खुद यहाँ पे ड्रॉ करके नीचे फिर जब मेजर कर लोगे तो लिखना नीचे कितना आया तो यहाँ पे लिखना भी जैसे अगर मैं मेजर करूँ तो ये मेरा आया मान लो फोर मिलीमीटर mm आया तो मैंने लिख दिया फोर मिलीमीटर mm मेरा ये आया है इसकी लेंथ फिर इसकी मेजर करके लिख देना यहाँ पे और फिर हमारा गैस सही है कि नहीं वो हमें पता चल जाएगा right. आगे दिया है आवर आईज गेट कंफ्यूज हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं देखिए यहां पे दो लाइनें दी हैं अब कौन सी लाइन लंबी है ए वाली या बी वाली ठीक है मेजर ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इज इन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कितना होगा फिर आपने बताना सबसे पहले तो हम गैस करेंगे ठीक है तो पहले मैंने गैस किया मैं यहां लिखती हूं आई थिंक आई थिंक लाइन बी इज लॉन्गर ठीक है ये मैंने गैस किया मुझे लगता है बी वाली लंबी है फिर आपने स्केल से लेके यहां जो पॉइंट है या पीछे वाला नहीं ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करना है सेम इसको भी मेजर करना है और दोनों की वैल्यू लिखनी है ए इज इक्वल टू जितना सेंटीमीटर होगा और बी इक्वल टू जितना सेंटीमीटर होगा ठीक है सेम आपने यहां पे भी करना है सी और डी के बारे में ठीक है सी और डी को आपने मेजर करना है विच लाइन इज लॉन्गर इन दोनों में कौन सी लंबी लग रही है सी वाली तो पहले मैं लिखूंगी आई थिंक C seems to be longer, ठीक है फिर आपने मेजर करना है इन दोनों को मेजर करके C इक्वल टू उसकी लेंथ लिखनी है फिर D इक्वल टू उसकी लेंथ लिखनी है ऑल राइट right, तो ये बच्चों ये आप स्केल से मेजर कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे Whose tail is the longest? किसकी पूछ सबसे लंबी है guess whose tail is the longest. Now measure the tails and how good is your guess? सबसे पहले तो मैंने guess लगाना है कि किसकी लंबी होगी तो मैं guess लगाती हूँ कि किसकी पूंछ लंबी होगी यहाँ पे लिखते हैं I think the tail of monkey इज दी लॉन्गेस्ट ठीक है मुझे लगता है कि मंकी की पूछ लंबी है नेक्स्ट अब आपने क्या करना है इनकी मेजर करनी है तो आप एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से ठीक है यहां पे एनिमल लिखेंगे एनिमल और फिर नेक्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ टेल ठीक है पहले यहां पे लिखा रैट फिर आपने स्केल से इसकी पूंछ मेजर करनी है यहां से लेके यहां तक फिर वो आगे लिखेंगे जितना होगा फिर नेक्स्ट लिखेंगे लिजर्ड लिजर्ड की पूंछ को करेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट कैट की फिर डॉग की फिर मंकी और फिर पिग की इस तरीके से आपने पूरा ये टेबल ड्रॉ करके इनकी मेजरमेंट को लिखना है तो ये आपने खुद से करना है नेक्स्ट दिया है हमें द लॉन्गेस्ट रूपी नोट सबसे लंबा कौन सा रूपी नोट होता है किस रूपी नोट का लॉन्गेस्ट है कौन सबसे लंबा है आइए देखते हैं वट इज द लेंथ ऑफ हंड्रेड रुपी नोट सबसे पहले तो यहाँ बताना है कि एक सौ रुपए के नोट की लेंथ कितनी होती है तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई गेस दैट द हंड्रेड रुपी नोट इज सिक्सटीन सेंटीमीटर लॉन्ग ठीक है मैंने गैस लगाया 16 सेंटीमीटर तक होगा फिर आपने घर से सौ रुपये का नोट लेना है और उसको मेजर करके लिखना है लास्ट में ठीक है क्या लिखोगे ऑन मेजरिंग आई फाउंड इट दैट इट इज 15.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ठीक है ये तो मैंने रफली बताया 15.5 होगा आप घर पे सौ रुपए का नोट लेके इसको मेजर करके ऐसा लिख लेना ओके नेक्स्ट दिया है नाउ गैस करो कि लेंथ और कितनी होगी इन चीजों की राइट right? यहां लिखना है गैस करके और यहां फिर इसको नाप सौ रुपए का नोट अब लेंथ और होती क्या है ये सौ रुपए दिया है ये जो साइड है ये हो गई लेंथ ठीक है और ये जो ऊपरी साइड होती है ये हो गई उसकी व्यर्थ ठीक है तो रफली हमने लिखना जैसे मैंने गैस किया लेंथ है सिक्सटीन सेंटीमीटर और विर्थ है सेवन सेंटीमीटर ठीक है ये मैंने गैस किया है फिर आपने नोट लेके मेजर करना है सेम आपने दस रुपये बीस रुपये पाँच रुपये पोस्ट कार्ड और इस मैथ की बुक का भी ऐसे ही करना है ठीक है गैसिंग मैं आपको लिख के बता देती हूँ गैस के लिए मान लो थ्री थर्टीन सेंटीमीटर है ये सिक्स सेंटीमीटर बीस रुपये के नोट की लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर और ये सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पांच रुपए का नोट ले लेते हैं इलेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और विर्थ सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पोस्ट कार्ड रफली फोर्टीन सेंटीमीटर और इसकी है नाइन सेंटीमीटर मैथ मैजिक बुक ट्वेंटी एट सेंटीमीटर और ये बाईस सेंटीमीटर ये मैंने रफली लिखा है आपको स्केल से इन सभी को माप के इस नेक्स्ट में इनके लेंथ और विर्थ को लिखना है तो बच्चों ये आपने खुद से मेजर करना है और यहाँ पे नोट डाउन करना है नेक्स्ट दिया है एट दी मार्केट मार्केट में ये चीज है अंडे ढाई रुपये का एक अंडा है ये जो ट्रे में चार अंडे लिखे हैं इसने क्या कहा है का एक अंडा है ये जो है ये कितने रुपए की है फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव पैसे ये पर्स है एक सौ बीस रुपये और पचास पैसे पेन का भी आपको रेट दिया हुआ है छः रुपये और पचास पैसे ठीक है ये ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक मान लो सो बार दी है तो इसका भी दिया है माचिस की तिल्ली हो गई फिर नेक्स्ट ये जो पेयर ऑफ स्लीपर्स हैं इसका भी इन्होंने दे रखे हैं रुपीस आगे देखते हैं क्या लिखा है यहां पे लुक एट दिस फनी प्राइस इस फनी प्राइस को देखो किस तरीके से लिखा है ये थर्टी टू रुपीज एंड नाइन्टी नाइन पैसे यानी कि जो पॉइंट के बाद नंबर दिया होता है वो क्या होता है पैसे होता है ठीक है बट इफ वी गिव थर्टी थ्री दे डोंट गिव अस बैक वन पैसा अगर हम उसको तैतीस रुपए दिए तो वो हमें एक पैसा वापस नहीं करते हैं वैसे तो एक पैसा होता ही नहीं है ठीक है अब कौन एक पैसा एक पैसे से कम देता है तो अब लिखा है वट पार्ट ऑफ ए रूपी इज वन पैसा एक रुपए का वन पैसा कितना पार्ट होता है ठीक है तो इसने क्या कहा वन पैसा इज वन हंड्रेड पार्ट ऑफ ए रूपी इज इट हम वन पैसे को कैसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन रुपी ठीक है तो वैसे ही नाइंटी नाइन पैसे को क्या लिख सकते हैं हम जीरो पॉइंट नाइन नाइन क्योंकि वन रुपी किसके बराबर होता है हंड्रेड पैसे के बराबर ठीक एक रूपी में सौ पैसे होते हैं तो अगर मैं पूछूं कि एक पैसा कितना पार्ट होगा पार्ट का मतलब होता है अपॉन में लिखना उसका ठीक है रेशियो बताना तो कितना होगा होगा पार्ट रुपी का ठीक है एक पैसा कितना होगा सॉरी यहां पे लिखेंगे एक पैसा इक्वल टू वन हंड्रेड पार्ट ऑफ ए रुपी ऑल नेक्स्ट right. क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे क्या पूछे हैं नंबर वन हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स मैच बॉक्स की टोटल क्या था पॉइंट फिफ्टी ठीक है इसको कैसे लिखा हुआ था? रुपीज जीरो पॉइंट फिफ्टी लिखा था तो जब मुझे इसे पैसे में लिखना होगा तो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होता है वो क्या होता है पैसे तो क्या लिखूंगी इक्वल टू फिफ्टी पैसा ठीक है आए समझ में नेक्स्ट हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीज टू पॉइंट फिफ्टी टू पॉइंट फिफ्टी से मुझे कितने माचिस के डब्बे मिल सकते हैं ठीक है तो हम इसको कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे पैसों में इसका मतलब क्या है टू रुपी प्लस फिफ्टी पैसे इसका मतलब ये है ठीक है अब इस पूरे को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा सिर्फ रुपी वाला कन्वर्ट करना है और रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड जब हम छोटे नंबर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं जब हम बड़े नंबर में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं बट अब मुझे किस में जाना है पैसे में और रुपी से पैसा तो छोटा है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और किससे से हंड्रेड से क्योंकि एक रुपए में सौ पैसे होते हैं तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम हंड्रेड के साथ और प्लस कर देंगे उसमें फिफ्टी टू जा टू हंड्रेड प्लस फिफ्टी कितना बन गया टू हंड्रेड फिफ्टी पैसे तो ये कन्वर्ट हो गया मेरा ये रुपी कन्वर्ट हो गया पैसे में कितना आया दो सौ पचास ठीक है अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने में खरीद सकता हूं मैच बॉक्सेस तो नेक्स्ट हम लिखेंगे देयर फोर नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इक्वल टू क्या करना है मुझे फिफ्टी से हम सॉरी टू फिफ्टी को डिवाइड करेंगे फिफ्टी के साथ ठीक है जो मेरे पैसे निकले थे टोटल उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ फिफ्टी के साथ, साथ क्यों क्योंकि मैच एक मैच बॉक्स कितने का आ रहा था पचास पैसे का फिर जीरो जीरो कैंसिल और फाइव वन जा फाइव 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 ट्वेंटी फाइव तो कितना आंसर आया फाइव तो ये है हमारा आंसर ओके okay, इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन करना है नेक्स्ट हाउ मेनी रुपीज सोप कॉस्ट जो साबुन है वो कितने रुपए की है तो यहां पे क्या लिखा है साबुन की कॉस्ट क्या है रुपीज एट पॉइंट सेवेंटी फाइव तो हम यहां पे लिखेंगे रुपीज एट पॉइंट सेवन फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर फोर अरुण वॉन्टेड टू बाय अ अरुण एक साबुन चाहता है उसके पास पांच रुपए का कॉइन है और टू वन रुपीज कॉइन है ठीक है एक पांच रुपए का है और दो एक एक रुपए के कॉइन उसके पास पड़े हैं और फोर हाफ रुपी कॉइन है हाफ रुपी का मतलब पचास पचास पैसे चार पड़े हुए हैं ठीक है राइट इन रूपीज वट मनी ही विल गेट बैक तो मुझे बताओ उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे सबसे पहले तो मुझे यह निकालना होगा कि अरुण के पास टोटल रुपीस कितने हैं राइट तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे आंसर लिखती हूं टोटल मनी विद अरुण कितना है इक्वल टू ठीक है सबसे पहले था पांच रुपए तो रुपीज फाइव प्लस उसके बाद दो थे उसके पास एक एक रुपए के कॉइन ठीक है तो कितना आएगा वन प्लस वन दो हो गए एक एक रुपए के प्लस चार हैं पचास पैसे के कॉइन ठीक है पचास पैसा कितना होता है जीरो पॉइंट फिफ्टी रुपीज ये सारे रुपीज में ही लिखने पड़ेंगे मुझे ठीक है तो अगर पचास पैसे को रुपीज में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं जीरो पॉइंट फाइव जीरो तो ये है चार तो इसको चार बार लिखना पड़ेगा एक तीन और प्लस प्लस लिख दिया अब सब इनको इनको करना है जब मैंने इनको प्लस किया तो कितना बना 5, 6, 7, ये हो दो पचास पैसे मिले एक रुपए और दो पचास पैसे मिले एक रुपए तो कितना हुआ टोटल दो रुपए और सेवन प्लस टू हो गया रुपीज नाइन यानी कि अरुण के पास टोटल कितने रुपए हैं नौ रुपए हैं और साबुन कितने की आती है साबुन यहां पे दिया था मुझे डायग्राम में कितने की है आठ रुपए पचहत्तर पैसे की ठीक है क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे मतलब जितने वो पैसे देगा उसमें से साबुन की कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने मिलेंगे तो लास्ट में हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ रुपीज देर फोर कॉस्ट ऑफ वन सोप कितनी दे रखी है रुपीज एट पॉइंट सेवेंटी फाइव एक जो साबुन है वो कितने रुपए का है एट पॉइंट सेवेंटी फाइव का हैं द मनी ही विल गेट बैक इक्वल टू क्या करना पड़ेगा जितने पैसे हैं उसके पास नौ रुपए उसमें से माइनस करना पड़ेगा जितने की साबुन है यानी कि एट पॉइंट सेवेंटी फाइव को ठीक है अब माइनस कैसे करते हैं आइए माइनस करना मैं आपको दिखाती हूं नाइन रुपीज अगर नाइन रुपीज है तो इसके अगर अगर पॉइंट में कैसे लिखते हैं हम इसको जीरो जीरो करके ठीक है नाइन रुपीज और जीरो पैसे एट पॉइंट सेवेंटी फाइव एट पॉइंट के नीचे पॉइंट और आगे लिख दिया हमने सेवनटी फाइव अब माइनस करेंगे जीरो में से फाइव तो जाता नहीं तो कैरी कहां से आएगा नौ से तो नौ से जब कैरी गया तो नौ का बन गया आठ ठीक है यहां पे टेन आ गया अब टेन से इधर कैरी जाएगा तो ये बन गया फिर से नौ और ये बन गया अब टेन ठीक है तो टेन में से फाइव गए बचा फाइव यहां पे क्या था नाइन नाइन में से सेवन गए बचा टू पॉइंट आठ में से आठ गया बचा जीरो तो कितने वापस किए उसने जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव रुपीज ये है हमारा आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए पार्ट एन एग कॉस्ट टू एंड अ हाफ रुपी एक अंडा कितने रुपए का है दो और आधा रुपी यानी कि ढाई रुपए का यहाँ पे दिया ही हुआ है, एक अंडा हाउ मच विल वन एंड अ हाफ डजन कॉस्ट वन एंड हाफ डजन होता कितना है सब आंसर कॉस्ट ऑफ एन एग एक अंडे की कीमत कितनी है रुपीज टू पॉइंट फाइव जीरो ठीक है एक अंडे की कीमत है रुपीज टू पॉइंट फाइव जीरो अब उसने क्या कहा कितने का निकालना है वन एंड हाफ डजन डजन का मतलब होता है बारह अंडे ठीक है दर्जन जो हम बोलते हैं ना एक दर्जन केले दे दो एक दर्जन अंडे दे दो तो एक डजन में आते हैं टोटल बारह अंडे ठीक है तो एक डजन हो गया बारह और आधा डजन मतलब बारह का आधा कितना होता है छ तो बारह और छ कितने होंगे टोटल अठारह अंडे तो हम लिखेंगे सबसे पहले वन एंड हाफ डजन एग इक्वल टू कितने बारह प्लस छ इक्वल टू एटीन तो टोटल एटीन अंडों की मुझे कॉस्ट निकालनी अब एक अंडे के इतने हैं तो अठारह अंडे के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई ठीक है तो अब लिखेंगे लास्ट में देअर फोर कॉस्ट ऑफ एटीन एग्स इक्वल टू एटीन मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो एक अंडे का है दैट इज टू पॉइंट फाइव जीरो इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे यहां पे मैं आपको करके बताती हूँ टू पॉइंट फाइव जीरो को ऊपर लिख लेते हैं और एटीन को नीचे एट जीरो जीरो एट फाइव फोर्टी फोर ऊपर एट टू 16 और सिक्सटीन फोर कितना हुआ ट्वेंटी ठीक है आ गया फिर यहां क्रॉस नेक्स्ट किससे करना है टू और टू और 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 क्या बन गया फोर अब इसमें डेसिमल कैसे लगाते हैं ऊपर जितने भी डेसिमल दिए होंगे उतने ही नंबर के बाद लगता है यहाँ पे दो नंबर के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी दो नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना बना मेरा रुपीज फोर्टी फाइव तो ये है इसका आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पेन्स कैन खनन बाय हाउ मच मनी इज लेफ्ट नेक्स्ट में आप खनन का पूछा खनन के लिए कहां दिया है इधर खनन ने साठ रुपए लिए और एक और हाफ डजन अंडे लिए अब खनन की बात की है ठीक है कनन ने पहले तो साठ रुपए लिए थे दे दिए इसको साठ रुपए उसने एक और आधा दर्जन अंडे लिए जिसकी कॉस्ट मैंने निकाल ली कितनी आई फोर्टी फाइव यू कैन बाई पेन्स विद द मनी लेफ्ट जितने पैसे बच गए उनके वो पेन खरीदेगा ऐसा इसने लिखा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितने पैसे बचे थे तो नेक्स्ट हम लिखेंगे नाव मनी लेफ्ट विद कनन ठीक है कितनी होगी रुपीज सिक्सटी उसके पास थे माइनस कर दो जितने के अंडे लिए कितने रुपीज फोर्टी फाइव सिक्सटी में से फोर्टी फाइव गया तो कितना बचा उसके पास रुपीज फिफ्टीन अब पंद्रह रुपये में से उसने क्या खरीदने हैं पेन और कितने पेन लेने हैं उसने लिखा है हाउ मेनी पेन कितने पेन वो ले सकता है पंद्रह उसके पास बचे हैं और एक पेन की कीमत कितनी दे रखी है साढ़े ठीक है अब एक पेन की कीमत है साढ़े छह रुपए और उसके पास कितने बचे हैं टोटल पंद्रह पेन राइट तो अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे देयर फोर द पेन कन्नन कैन बाय इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे जितने पैसे हैं डिवाइड करो उसको किससे जितने एक रुपए दिए हैं ठीक है फिफ्टीन को डिवाइड कर दो सिक्स पॉइंट फिफ्टी से तो अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे आइए देखते हैं यहां पे मैं आपको करके बताती हूं ठीक है फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट फाइव जीरो तो इसको कैसे हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन सिक्स पॉइंट फाइव जीरो को मैं कैसे लिख सकती हूं सिक्स फिफ्टी अपॉन जब हम पॉइंट हटाते हैं तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं जहां पॉइंट है उसकी जगह वन और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है तो ये फ्रैक्शन कौन से हैं ये दोनों हैं साथ में तो जब मैं इसको चेंज करूँगी तो कैसे लिखूंगी फिफ्टीन यहीं पर रहेगा ये जो दो फ्रैक्शन साथ में थे ये जब ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई तो में तो उल्टे हो जाते हैं ठीक है डिवाइड का जब मल्टीप्लाई बनता है तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है तो मल्टीप्लाई अब हंड्रेड चला गया ऊपर और सिक्स फिफ्टी आ गया नीचे ठीक है तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे किस तरीके से ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कितना बचा मेरा वन फिफ्टी अपॉन सिक्सटी फाइव अब इसको पाँच के टेबल से काटो फाइव से डिवाइड करो पहले सिक्सटी फाइव को कितना आंसर आएगा फाइव वन जो फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन और फाइव को डिवाइड करो इससे तो कितना बचेगा थर्टी ठीक है कितना आया थर्टी अपॉन थर्टीन तो अब ये छोटा नंबर हो गया है अब हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो साथ में आपने इधर डिवाइड करना है थर्टी थर्टीन ठीक है तो यहां पे लिखेंगे थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स कितने बचे लास्ट में चार ये आ गया तो वो कितने पेन खरीद सकता है दो और उसके पास कितने लास्ट में पैसे बचेंगे चार रुपे. यहां से मुझे पता चल गया तो लास्ट में इसका आंसर आपने क्या लिखा है हैंस ही कैन बाय ही कैन बाय टू पेंस दो पैन वो खरीद सकता है एंड लास्ट में पूछा ना कितने पैसे उसके पास बचेंगे एंड द मनी लेफ्ट विद हिम इज रुपीस कितना बचा था लास्ट में फोर रिमाइंडर जितना आता है उतने पैसे उसके पास बचे हैं रिमाइंडर का मतलब ही होता है कि कितने बचे हैं ठीक है तो कितने पैसे बचे हैं रुपीस फोर तो ये आ गया सेकंड पार्ट का भी आपके पास आंसर ठीक है मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिस टाइम प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या दिया है मैच द द ग्रीन एंड द पिंक इनको हमने मैच करना ठीक है वन अपॉन टू का मतलब होता है फिफ्टी पैसा और उसको जब हम रूपी में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं ठीक है वन अपॉन टेन को कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया है जब फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं ऊपर आ गया वन जीरो के बाद वन आ रहा है यानी कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा आ गया जीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन हमारा बना रुपी तो जीरो पॉइंट वन रुपी बना और वन को हम कैसे लिखते हैं पैसे में टेन पैसा ठीक है आगे कुछ नहीं होता है तो ये टेन पैसे के बराबर ही होता है क्योंकि वन के आगे हम जीरो भी लेट कर सकते हैं ओके तो ये किसके साथ जुड़ेगा मेरा टेन पैसा के साथ और टेन पैसे किसके बराबर होता है ये रहा रुपीज जीरो पॉइंट वन जीरो उसी की तरह नीचे दो जीरो है तो यानी कि फाइव के पहले क्या लगेगा फाइव इधर दो नंबर के बाद पॉइंट लगना है लेकिन पांच तो एक ही नंबर है तो दो नंबर बनाने के लिए मुझे इसके आगे एक जीरो भी लगाना पड़ेगा ठीक है फिर दो नंबर बन गए पॉइंट लग गया और एक और जीरो ठीक है तो ये वाला मैच होगा कितना इसको बोलेंगे पांच पैसे क्योंकि जीरो फाइव जीरो फाइव का मतलब पांच ही होता है अगर जीरो किसी नंबर के आगे लग जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता ठीक है तो ये मेरा मैच करूंगी मैं पांच पैसा के साथ और इसका आंसर कहां आएगा हमारा? ये वाला, है? थ्री अपॉन फोर अब थ्री अपॉन फोर को आप कैसे करेंगे तो थ्री अपॉन फोर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे थ्री अपॉन फोर इस तरीके से है ठीक है तो इनको डिवाइड करना है मुझे मैं आपको सिंपली डिवीजन भी बता सकती हूँ बट आपके लिए इजी क्या रहेगा नीचे मुझे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हंड्रेड बन जाए बस आपको ये याद रखना है ठीक है अब वो मैं कैसे कर सकती हूँ फोर में अगर मैं ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाता है हंड्रेड फोर ट्वेंटी फाइव जा होता है हंड्रेड ठीक है तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया है वही क्या करना पड़ेगा ऊपर मल्टीप्लाई इस तरीके से काम होता है ठीक है डिवाइड भी करने का तरीका है अगर आपने डिवाइड से करना है तो हम वो भी कर सकते हैं अगर ये तरीका अपनाना है तो ये भी कर सकते हैं मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी अब देखते हैं फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हो गया हंड्रेड और थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा सेवनटी फाइव तो कितना आ गया सेवनटी फाइव अपॉन हंड्रेड तो सेवनटी फाइव अपॉन हंड्रेड जब भी नीचे हंड्रेड होता है इसका मतलब क्या होता है ऊपर वाला क्या है मेरा पैसे ठीक है ऊपर वाली जो भी चीज होगी वो पैसे होगी अगर नीचे हंड्रेड है अगर उसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाली चीज मेरी पैसा होगी तो ये किस में मैच होगा मेरा सेवेंटी फाइव पैसे में ठीक है और उसको डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट सेवन फाइव ऐसे अब आई बारी डिवाइड कैसे करते हैं डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है जो नंबर ऊपर लिखते हैं वो अंदर जो नीचे लिखा होता है उससे डिवाइड करते हैं अब फोर से थ्री डिवाइड होगा नहीं क्योंकि थ्री क्या है छोटा नंबर है तो सबसे पहले मैं करूंगी जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी फोर जीरो कर लिया रिमाइंडर बचा तीन जब रिमाइंडर में मेरा तीन आया अब मैं आगे लगा दूंगी पॉइंट पॉइंट का मतलब होता है एक जीरो लग जाना नीचे ठीक है जो रिमाइंडर आता उसमें पहले से ही ऊपर से नहीं लगाना होता पहले हमेशा जीरो से करो फिर जब रिमाइंडर में मेरा नंबर आएगा तब पॉइंट लगा के यहां जीरो लगाओ ठीक है अब फोर के टेबल में फोर सेवन ट्वेंटी एट माइनस कितना बचा टू अब पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है अब दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती हम जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं ठीक है तो हो गया फोर फाइव जा 20 इस तरीके से मेरा आंसर कितना है 0.75 ठीक है तो 0.75 देखो मैंने रुपी में मैच किया था और इसको पैसे में लिखना होता है तो क्या बनता है पॉइंट के बाद जो नंबर है वो पैसे होते हैं तो 75 पैसे इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो ये 99 अपॉन 100 तो ये 99 पैसा होगा तो किसके साथ मैच करेंगे 99 पैसे के साथ और डेसिमल में क्या होगा 0.99 वन अपॉन फोर देखिए फिर से वही चीज आ गई है अगर इसको डिवाइड करना है तो वन को अंदर रखो फोर को बाहर सबसे पहले क्या करना है मुझे जीरो से तो फोर जीरो जीरो माइनस अब रिमाइंडर में वन आया है तो मैं पॉइंट लगा सकती हूं तो पॉइंट लगाया बन गया जीरो फोर टू जा ठीक है तो अब रिमाइंडर में आ गया वन तो मैं जीरो लगा सकती हूँ फोर टू होगा अब एट माइनस किया बचा टू अब जीरो अब फिर से लगा देंगे तो फोर फाइव तो कितना आंसर आया पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो पॉइंट ट्वेंटी फाइव का मतलब ट्वेंटी फाइव तो पैसे तो इसको मैं ज्वाइन करूंगी किसके साथ ट्वेंटी फाइव पैसे के साथ और ये यहाँ पे ज्वाइन होगा जीरो पॉइंट टू फाइव के साथ तो इस तरीके से आपने ये निकालने हैं और मैच करने हैं ठीक है थीके? मैच करने से पहले नोटबुक में डायरेक्ट मैच नहीं करना है आपने आपने अकेला अकेला सॉल्व करके लिखना है सबसे पहले आपने लिखना है रुपी वन पॉइंट टू इसको सॉल्व करके दिखाओ डिवाइड करके कितना आंसर आता है फिर उसके आगे उसका आंसर लिखो जैसे फिफ्टी पैसा आएगा आंसर वो लिखो और पॉइंट में भी लिख के पूरा पूरा बताना है ठीक है ये डब्बे करके आपने मैच नहीं करना है इसको पूरा सॉल्व करके बताना है नेक्स्ट हमारा आता है कलरफुल डिजाइन कलरफुल डिजाइन में अब हमें क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं वट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू ब्लू कलर कितना पार्ट हुआ है अब पार्ट निकालना मतलब फ्रैक्शन निकालना फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो मुझे टोटल पार्ट पता होना चाहिए टोटल कितने आइए गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन तो अपॉन टेन यहां पे पहले से ही अपॉन टेन लिखा हुआ है ठीक है अब मुझे लिखना है ऊपर क्या आएगा अब ऊपर के लिए क्या देखना है मैंने ब्लू कलर के कितने है? अब ब्लू कलर के कितनी लाइन है एक ही लाइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा वन अपॉन टेन इस तरीके से लिखते हैं पार्ट को ठीक है पार्ट लिखना मतलब फ्रैक्शन में लिखना नेक्स्ट व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन ग्रीन कितना पार्ट है सबसे पहले तो ग्रीन कलर देखेंगे कि कितना है वन टू और थ्री थ्री है ग्रीन अपॉन टोटल टोटल तो टेन ही रहेगा तो थ्री अपॉन 10 ऑलराइट व्हाट कलर कवर्स 0.2 ऑफ द शीट 0.2 शीट कौन सा कलर दे रहा है तो 0.2 का मतलब क्या होता है 2 अपॉन 10 ठीक है जब डेसिमल्स हटाते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जो नंबर दिया है वो ऊपर पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतने जीरो तो कितना है 2 अपॉन 10 2 अपॉन का 10 का मतलब है दो कलर किए हैं तो दो कलर कौन से रंग के किए हुए हैं एक तो रेड भी और येलो भी तो इसका आंसर क्या आएगा रेड एंड येलो कलर्स आर कवर्स दी शीट जीरो पॉइंट टू ऑफ दी शीट

यहाँ कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और नीचे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानि कि लेंथ भी टेन और विर्थ भी टेन तो टोटल तो तो कितना बनेगा टोटल बॉक्सेस इज इक्वल टू तो टेन इंटू टेन तो कितना बना वो हंड्रेड तो इसका आंसर जो ये वाला आंसर था मैंने यहाँ नीचे दे दिया आपको ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इस ईच बॉक्स वन अपॉन हंड्रेड पार्ट ऑफ शीट क्या ये सारे बॉक्स अगर हम एक एक बॉक्स को ध्यान से देखें तो क्या ये सारे बॉक्स अपॉन हंड्रेड पार्ट ऑफ शीट बनते हैं तो हाँ ये बनते हैं राइट तो हम इसमें क्या लिखेंगे यस नेक्स्ट हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर ब्लू बॉक्स कितने हैं तो एक लाइन टेन बॉक्सेस की थी तो कितने लिखेंगे हम टेन ठीक है फिर

बताया हुआ है ठीक है तो ये इस बात सही है क्योंकि बिकॉज टेन अपॉन हंड्रेड का मतलब क्या है ये और ये कैंसिल तो कितना बचा वन अपॉन टेन ही बचा जो दिया हुआ है ठीक है और वन अपॉन टेन को हम क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन तो जो नीचे इन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सही है ठीक है तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है हमें कैन वी से क्या हम कह सकते हैं टेन अपॉन हंड्रेड ऐसा होता है तो क्या कह सकते हैं यस yes, यहाँ पे भी लिखेंगे यस वी कैन से दैट ठीक है हम ये कह सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है हमने करके भी देखा नीचे आगे क्या दिया है इन्होंने थिंक कैन वी राइट टेन पैसा एज जीरो पॉइंट वन ऑफ द रूपी क्या हम दस पैसे को भी जीरो पॉइंट वन ऑफ द रूपी लिख सकते हैं ऐसा दिया है इन्होंने तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे यस इसका भी आंसर होगा यस क्योंकि दस पैसा मतलब यही होता है जिसका आंसर क्या आया जीरो हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड रेड कलर के कितने बॉक्स हैं? गिनते हैं नीचे देखते हैं कितने हैं ये लाइन हो गई दस की दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो कितने हैं फिफ्टीन बॉक्सेस ठीक है वट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस कितना पार्ट बनेगा जब पार्ट में लिखना है तो फिफ्टीन अपॉन टोटल बॉक्स कितने थे हंड्रेड तो क्या बना पार्ट इसका फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड ठीक है रेड वाले थे फिफ्टीन बॉक्सेस और वट पार्ट अगर लिखेंगे तो फिफ्टीन अपॉन टोटल कितने बॉक्स थे हंड्रेड तो फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड ऑल्सो कैन वी से दैट या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फिफ्टीन ऑफ द शीट जीरो पॉइंट फिफ्टीन लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे यस क्यों अगर मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना होगा तो नंबर और दो जीरो के बाद वन है तो दो नंबर के बाद पॉइंट तो क्या बनेगा जीरो पॉइंट फिफ्टीन ही बनेगा तो लिख सकते हैं तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखा मैंने यस ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे ये भी लिखा है कि कंफ्यूज मत होना जीरो पॉइंट टेन और जीरो पॉइंट वन सेम होता है जिस तरीके से जीरो पॉइंट फिफ्टी और जीरो पॉइंट फाइव भी सेम होता है इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करनी ये आपने याद रखना है हमेशा दोनों क्या होते हैं सेम सेम होते हैं नाउ थ्री अपॉन हंड्रेड ऑफ द शीट इज ब्लैक ब्लैक कितनी है तीन अपॉन हंड्रेड वी कैन से दैट अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री शीट इज ब्लैक इस तरीके से डेसिमल बनेगा इसका ओके okay? आगे क्वेश्चन है हाउ मेनी वाइट बॉक्सेज आर देयर इन दिस शीट कितने वाइट बॉक्सेस हैं आइए गिनते हैं दस की हो गई ये लाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू बॉक्सिस ठीक है तो क्या लिखेंगे हम ट्वेंटी टू बॉक्सेस ठीक है वट पार्ट ऑफ दिस सेकेंड शीट इज वाइट सेकेंड शीट में कौन सा पार्ट है व्हाइट तो पार्ट में कैसे लिखते हैं ट्वेंटी टू बॉक्सेस थे व्हाइट के तो ट्वेंटी टू अपॉन टोटल बॉक्स कितना है हंड्रेड तो पार्ट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा इसका ट्वेंटी टू अपॉन हंड्रेड इज आंसर आगे दिया है अपना डिजाइन बनाओ मेक नाइस डिजाइन बाई कलरिंग जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव पार्ट ऑफ द स्क्र इज रेड जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव पार्ट रेड यानी कि कितने बॉक्सेस को मुझे रेड कलर करना है फोर्टी फाइव बॉक्सेस को तो गिन के आपने इसमें फोर्टी फाइव बॉक्सेस को रेड कलर करना है ओके यहाँ पे दिया है यूज फोर कलर चार कलर का इसमें इस्तेमाल करो ईच कलर शुड कवर जीरो पॉइंट जीरो फाइव ऑफ दिस स्क् हर कलर में कितने कितने बॉक्सेस होने चाहिए जीरो पॉइंट जीरो फाइव अगर जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा पाँच ऊपर और नीचे हंड्रेड तो ये टोटल तो हंड्रेड ही है तो मतलब हर कलर के मुझे पांच पांच बॉक्सेस करने हैं और आपने चार कलर इसमें यूज़ करने हैं ठीक है रेड कलर के पांच बनाओ ब्लू कलर के पांच येलो के पांच ऑरेंज के पांच ठीक है कौन से कलर यूज़ करने हैं चार कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं बट कितने कितने बॉक्सेस बनेंगे पाँच पाँच ठीक है पहले ये चीज नीचे लिखना उसके बाद इसको कलर करना यहाँ पे भी फोर्टी फाइव के लिए भी पहले लिखना जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड तो फोर्टी फाइव रेड बॉक्सेस में कलर करना ठीक है नेक्स्ट दिया है हमें स्पोर्ट्स डे द स्कूल एट मल्लमपुरम हैज अ स्पोर्ट्स इट्स स्पोर्ट्स डे मल्लमपुरम में अब स्पोर्ट्स डे है ठीक है फर्स्ट फाइव चिल्ड्रेन इन द लॉन्ग जंप आर जो पहले पांच बच्चे लॉन्ग जंप में हैं वो कौन कौन है यहाँ दिया है टीना ने मारा थ्री पॉइंट फिफ्टी मीटर का जंप मीना ने मारा फोर पॉइंट जीरो फाइव मीटर का जंप रिहाना ने मारा फोर पॉइंट फिफ्टी मीटर का जंप अनु ने मारा थ्री पॉइंट जीरो फाइव मीटर का जंप और अमीना ने मारा थ्री पॉइंट थ्री फाइव मीटर का जंप आगे क्या दिया है टीना जम्प्ड 3.50 टीना ने इतना किया व्हिच इज इसको कैसे लिख सकते हैं पॉइंट के आगे वाला मीटर और पॉइंट के बाद जो बच गया वो सेंटीमीटर तो क्या बना 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर तो बताओ अब अनु का लिखना होगा मीटर और सेंटीमीटर में तो कैसे लिखेंगे अनु ने कितना किया 3.05 तो इसका मतलब है 3 मीटर और 05 का मतलब होता है सिंपली 5 सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट हू इज द विनर ऑफ दिस जंप कौन जीता लॉन्गेस्ट जंप मारने वाला जीतेगा तो सबसे लंबा जंप किसने मारा है रिहाना ने तो कौन इसका नाम आएगा यहाँ पे रिहाना उसने कितना मारा सबसे लंबा जंप 4.50 का ओके मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे राइट द नेम ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विनर ऑन दी स्टैंड स्टैंड में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कौन आया है वो लिखना है तो फर्स्ट कौन आई थी रिहाना ठीक है यहां पे स्टैंड में लिखना है सेकेंड कौन आया था सेकेंड किसका जंप था मीना का ठीक है सेकेंड कौन आई मीना और थर्ड कौन आई टीना तो सेकेंड में हम लिखेंगे मीना और थर्ड में टीना ठीक है इस तरीके से लिख दिया अब दिखाया है यहां पे डू यू रिमेंबर क्या आपको याद है एक मीटर कितना होता है हंड्रेड सेंटीमीटर यानी कि एक सेंटीमीटर कितना पार्ट ऑफ द मीटर होता है वन अपॉन हंड्रेड का वी कैन ऑल्सो राइट वन सेंटीमीटर एज वन सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में लिखना हो बड़ी में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ठीक है जब छोटी क्वांटिटी को बड़ी में लिखना होता है तो हमेशा पॉइंट आता है उसमें ठीक है वन सेंटीमीटर को अगर मुझे बड़ा बनाना है तो मतलब डिवाइड करना है और डिवाइड को अगर लिखना होता है तो पॉइंट में लिखते हैं क्योंकि वन छोटा है ना इसलिए तो कितना आया जीरो पॉइंट जीरो वन जैसे ये दिया हुआ है अब नेक्स्ट बोला है राइट इन मीटर इनको मीटर्स में लिखो थ्री मीटर फोर्टी फाइव सेंटीमीटर तो कितना होगा थ्री पॉइंट फोर फाइव सेंटीमीटर दिया मीटर नहीं दिया तो आगे जीरो लग जाएगा और पीछे पॉइंट के बाद नाइन्टी नाइन वन मीटर फाइव सेंटीमीटर बोला है ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे सिंपली वन पॉइंट फाइव मत लिखना कोई कोई बच्चे ऐसे लिख देंगे वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव का मतलब क्या होता है वन पॉइंट फाइव जीरो ये मतलब होता है और उसने सिर्फ फाइव बोला है फिफ्टीन ही बोला है ठीक है इसलिए कैसे लिखते हैं ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है ओके इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करनी है आगे आता है हाउ बिग कैन यू गेट कितने बड़े आप हो सकते हैं जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है हमारी छाती फूल जाती है ठीक है जब सांस छोड़ी तो उसकी छाती थी 1.52 मीटर की जब उसने सांस भरी तो कितनी हो गई ज्यादा हो गई 1.82 मीटर हो गया डिफरेंस कितना है डिफरेंस का मतलब माइनस करके तो 1.82 में से माइनस किया 1.52 तो कितना आंसर आया इसका 0.30 मीटर ठीक है माइनस करके इतना आया आंसर इसका अब नेक्स्ट क्या पूछा है अपने साथ भी ऐसा करो और डिफरेंस निकालो ठीक है अपनी छाती नापो और इस तरीके का डिफरेंस निकालो तो बच्चों ये आपने खुद करना है आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें यू हैव टू ग्रो फोर्टी फाइव सेंटीमीटर मोर टू रिच टू मीटर हाइट अगर आपको दो मीटर की हाइट पूरी करनी है तो आपको फोर्टी फाइव सेंटीमीटर और ऊंचा होना पड़ेगा तो बताओ कि अब दिनेश की हाइट कितनी है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दो मीटर में से फोर्टी फाइव कम करूंगी वही दिनेश की हाइट होगी ठीक है तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे टू मीटर का मतलब होता है टू पॉइंट जीरो, जीरो मीटर और फोर्टी फाइव सेंटीमीटर होता है पॉइंट के बाद इस तरीके से ठीक है तो इन दोनों को हम इस तरीके से मीटर में लिखते हैं सेंटीमीटर को मीटर में लिखने के लिए डेसिमल लग जाता है यानी कि डिवाइड तो कितना हुआ जीरो पॉइंट फोर फाइव और टू मीटर को तो सिंपली लिखेंगे और आगे पॉइंट पॉइंट लगाएंगे फिर कैरी लेंगे तो ये बन गया टेन ये बन गया नाइन और ये बन गया वन तो दस में से पाँच गए बचा पाँच नौ में से चार गए बचा पाँच और वन में से जीरो गया बचा वन तो कितना आया वन पॉइंट फिफ्टी फाइव मीटर तो इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा वन मीटर और पॉइंट के बाद वाला फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर तो ये थी दिनेश की हाइट ओके आपने कुछ इस तरीके से इसको निकालना है करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है हमें प्रैक्टिस टाइम मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज से कितनी मनी होती है आइए देखते हैं आपने देखा होगा नोट और कॉइन को किसी दूसरी कंट्री के कभी नोट और कॉइन देखे हैं अगर देखे हैं तो यहाँ येस yes लिखिए अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ नो no लिखना है अब शिवम बैंक ने एक चार्ट बनाया है हाउ मेनी इंडियन रुपी वी कैन गेट गेट इफ वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ठीक है अगर डिफरेंट कंट्रीज से हम पैसे चेंज करें तो हमें कितने मिलते हैं आइए देखते हैं कंट्री कोरिया कोरिया की जो मनी होती है वो किस में होती है वॉन में ठीक है और एक रुपये किसके बराबर होता है वो जीरो पॉइंट जीरो फोर यानी कि चार पैसे के बराबर होता है श्रीलंका की रुपी में ही होता है लेकिन श्रीलंकन रुपी होता है और वो थर्टी फाइव पैसे के बराबर होता है हमारी इंडियन करेंसी में ठीक है इसी तरीके से सबका यहाँ पे पूरा टेबल दे रखा है ठीक है ये कब का दिखाया हुआ है 15 फरवरी 2008 का ये था तब की रेटिंग दिखाई हुई है आगे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर ए में देखिए द मनी ऑफ व्हिच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपी कौन सी कंट्री ज्यादा हमें इंडियन रुपी में देती है ठीक है यानी कि इंडियन रुपी का सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सी कंट्री देती है तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर मनी ऑफ मैं आपको आंसर बताती जाती हूं आप लिखते जाएं The मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपी ठीक है इंग्लैंड का कॉस्ट सबसे ज्यादा है कितना है सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट बी में क्या दिया है मिथुन के अंकल अमेरिका में हैं ठीक है और उन्होंने उसे कितने भेजे हैं दस यूएसए डॉलर एज अ गिफ्ट भेजे हैं ठीक है अमेरिका से उन्होंने डॉलर भेजे कितने दस यूएसए डॉलर मिथन यूज थ्री फिफ्टी रुपीज फॉर दिस स्कूल ट्रिप उसमें से उसने साढ़े तीन सौ रुपए स्कूल ट्रिप में खर्च कर दिए तो बताओ उसके पास कितने पैसे होंगे सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इस दस यूएसए डॉलर को रुपीस में चेंज करना तो इसका आंसर हम यहां करेंगे आंसर ठीक है वन यूएसए डॉलर डॉलर कितने के बराबर है थर्टी नाइन पॉइंट सेवनटी वन यूएसए डॉलर है रुपीज थर्टी नाइन पॉइंट सेवन के बराबर उसके पास कितने दिए थे तो टेन यूएसए डॉलर कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेन के साथ तो रुपीज थर्टी नाइन पॉइंट सेवन जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन तो जब मैंने इसको टेन के साथ मल्टीप्लाई किया कैसे करेंगे रुपीज थ्री नाइन सेवन जीरो ऊपर लिखो और इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद दो नंबर है तो नीचे कितना बनेगा हंड्रेड मल्टीप्लाई टेन जीरो से जीरो कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल तो कितना बचा रुपीज थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन तो उसके अंकल ने उसे रुपीज थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन भेजे थे उसने स्कूल ट्रिप में कितने खर्च किए साढ़े तीन सौ ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे ही यूज्ड रुपीज थ्री फिफ्टी इन स्कूल ट्रिप ठीक है स्कूल ट्रिप में उसने थ्री फिफ्टी कर दिए देर फोर मनी लेफ्ट कितनी मनी लेफ्ट हुई वो कैसे पता चलेगा टोटल मनी में से रुपीज थ्री नाइन्टी सेवन में से माइनस करो रुपीज थ्री फिफ्टी को तो कितने बचे जब आप माइनस करोगे तो उसके पास बचेंगे रुपीज फोर्टी सेवन तो ये है इसका आंसर रुपीज फोर्टी सेवन और राइट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट दिया है यहाँ सी फादर इज वर्किंग इन यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मजीद के पापा काम कर रहे हैं ही गेट्स थाउजेंड दिरहम एज सैलरी उनको कितनी सैलरी मिलती है वन थाउजेंड दिरहम दिरहम जो है वो अरब की यानी कि दुबई की, की करेंसी का नाम है अरुण फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका गेट्स टू थाउजेंड श्रीलंकन रूपीज और अरुण के जो पेरेंट यानी कि उसके जो पापा हैं वो श्रीलंका में काम करते हैं उनको सैलरी में कितना मिलता है दो हजार श्रीलंकन रूपीज मिलते हैं तो बताओ कि इंडियन रुपी में किसकी सैलरी ज्यादा है किसको ज्यादा सैलरी मिलती है ठीक है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना होगा कि किसकी कितनी सैलरी है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में अगर हम देखें के कितना होता है वन दिरहम बराबर होता है रुपीज टेन पॉइंट एट्टी पैसे का ठीक है और श्रीलंकन में क्या है वन रुपी जीरो पॉइंट थर्टी सेवन रुपीज चलो करके देखते हैं क्या होगा इसका आंसर तो यहां पे करते हैं हम सी का आंसर मजीद फादर्स सैलरी इज इक्वल टू वन थाउजेंड दिरहम ठीक है दिरहम जो उसकी करेंसी है नेक्स्ट हम निकालेंगे कि वन थाउजेंड दिरहम कितने रुपीस होते हैं तो हमें पता है एज वी नो वन दिरहम इज इक्वल टू रुपीस टेन पॉइंट फिफ्टी टू ठीक है तो थाउजेंड दिरहम कितना हो जाएगा वो होगा रुपीज टेन पॉइंट फिफ्टी टू को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम थाउजेंड के साथ ओके तो टेन पॉइंट फिफ्टी टू को हमने थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए सबसे पहले हमने इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा वन जीरो फाइव टू ऊपर नीचे पॉइंट के लिए वन और उसके बाद दो नंबर हैं तो दो जीरो मल्टीप्लाई वन थाउजेंड दो जीरो से दो जीरो कैंसिल तो कितना रुपीज हुआ वन जीरो फाइव टू और एक टेन टेन का जीरो लग गया इधर तो इनका में क्या बना थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज ठीक है ये बने मजीद के पापा की सैलरी नेक्स्ट निकालेंगे हम अरुण्स फादर सैलरी ठीक है वो कितनी थी टू थाउजेंड श्रीलंकन रुपीज ठीक है तो वन श्रीलंकन रुपीस किसके बराबर होता है जीरो पॉइंट थर्टी सेवन रुपीज के ठीक है इस बराबर होता है तो मुझे कितने का निकालना है दो हजार श्रीलंकन रुपीज का तो वो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई 2000 राइट right? अब इसको भी सेम तरीके से हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है हमने यहाँ ऊपर लिखना है 37 अपॉन 1 और नीचे 20 0 मल्टीप्लाई बाय 2000 नीचे और ऊपर से दो जीरो कैंसिल तो कितना हुआ रुपीज ₹37 multiply by 20 और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 74 जीरो ठीक है यह बन गया मेरा रुपीस में आंसर तो दोनों में से किसकी ज्यादा सैलरी है मजीद के पापा की तो यहां लिखेंगे हैंस मजीद फादर सैलरी इज मोर सॉरी मोर इन इंडियन रूपी ठीक है इंडियन रुपीस में जो मजीद के फादर हैं, उनकी सैलरी क्या है ज्यादा है तो ये बनेगा इसका आंसर ऑल राइट नेक्स्ट है डी डी में क्या दिया हुआ है हमें आइए देखते हैं डी पार्ट में लिखा है लीनास आंटी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना लीला की जो आंटी है वो चाइना से उसके लिए एक तोहफा लाती हैं ठीक है थीके? वो कितना कॉस्ट का है थर्टी युआन युआन चाइना की करेंसी है अब मुझे इसको इंडियन रूपी में निकालना है बहुत ही सिंपल है क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे द गिफ्ट कॉस्ट इज इक्वल टू थर्टी युआन ठीक है तो वन युआन एक युआन जो है वो कितने के बराबर है रुपीज फाइव पॉइंट फाइव जीरो के बराबर ठीक है ये आपको पीछे वाले टेबल से मिल जाएगा किसके बराबर होगा रुपीज फाइव पॉइंट फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय थर्टी सेम तरीके से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर फाइव फाइव जीरो नीचे क्या बन जाएगा हंड्रेड मल्टीप्लाई थर्टी जीरो से जीरो कैंसिल ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल तो ये आया फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया वन सिक्सटी फाइव 165 तो ये है okay. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वोन आस्था को हांगकांग डॉलर भी चाहिए और वोन भी चाहिए नंबर वन पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉन्ट कैन शी चेंज फॉर रुपीज फोर एंड फॉर रूपीज फोर हंड्रेड मतलब अब इंडियन रुपीज से मुझे चेंज करना है किसमें वोन में यानी कि उल्टा जाना है राइट आइए देखते हैं क्या होगा ई e पार्ट का फर्स्ट आंसर ठीक है इसको करेंगे हम तो सबसे पहले लिखेंगे वन वोन एक वॉन किसके बराबर है पीछे आपको टेबल में दिया होगा रुपीज जीरो पॉइंट जीरो फोर के बराबर है ठीक है हैंस अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको हंड्रेड वोन के बराबर तो वन वोन इसके बराबर है ठीक है तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं अगर उल्टा करके हम लिखें तो यहां पे लिखते हैं और, और रुपीज जीरो पॉइंट जीरो फोर किसके बराबर है वन वोन के बराबर इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है जो चीज निकालनी है वो हमेशा राइट हैंड साइड में रखो और जो चीज दी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन में पूछा है मुझे हाउ मेनी वॉन। इसलिए जो पहले गिवन चीज थी उसको हमेशा राइट right में लिखना है ठीक है तो वन वॉन किसके बराबर था रुपीज जीरो पॉइंट जीरो फोर के बराबर तो मुझे कितने का निकालना है देर फोर सबसे पहले वन रुपी का निकालेंगे रुपीज वन किसके बराबर होगा वो ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन के बराबर, ठीक है? अब रुपीज वन जब निकल जाए हमेशा पहले यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है यानी कि वन रुपीज की ठीक है वन निकल गया अब मैं जो किसके लिए निकालना है चार रुपए के लिए क्वेश्चन में कितना पूछा था कितने के लिए चाहिए चार के लिए चाहिए नाओ रुपीज फोर किसके बराबर होगा जो भी वन रुपीज की कॉस्ट आई है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो फोर को ठीक है तो ये कितना हो गया वन फोर फोर और नीचे जीरो पॉइंट जीरो फोर अब जीरो पॉइंट जीरो फोर को पहले मुझे किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में सो कैसे चेंज करते हैं फोर को ऐसे ही रखो ये फ्रैक्शन में चेंज होकर क्या बनेगा फोर अपॉन वन के बाद दो नंबर है तो हंड्रेड राइट अब फ्रैक्शन मेरी ये वाली चीज थी नीचे वाली तो ये जब उल्टी होके ऊपर जाएगी और मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो फोर को फोर ही रहने दो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हंड्रेड ऊपर चला जाएगा और फोर नीचे तो फोर से फोर कैंसिल तो आंसर कितना आया वन हंड्रेड वन इज द आंसर ओके okay. अब नेक्स्ट उसने बोला था फोर हंड्रेड रुपीज के लिए भी निकालना है तो सेम तरीके से निकालूंगी फॉर रुपीज फोर हंड्रेड ये तो सेम है फोर जैसे मैंने फोर के लिए निकाला वैसे फोर हंड्रेड के लिए निकालना क्या करना है जो वन रुपए की आई थी वोन उसके साथ फोर हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर देना तो वन रुपीज का क्या आया था मेरा वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फोर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं फोर हंड्रेड को अब तो सेम इसका भी सेम तरीका होगा वन इंटू फोर हंड्रेड क्या हो जाता है फोर हंड्रेड अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फोर इसको भी आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फोर हंड्रेड अपॉन फोर अपॉन हंड्रेड आ जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा तो फोर हंड्रेड को ऐसे ही लिखेंगे हम मल्टीप्लाई ये उल्टा चला गया तो हंड्रेड ऊपर और चार नीचे तो फोर वन ज़ा फोर और फोर हंड्रेड जा फोर हंड्रेड तो नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास हंड्रेड इंटू हंड्रेड और हंड्रेड इंटू हंड्रेड कितना होता है वन लिख लो जितने जीरो हैं उतने पीछे लगा लो चार जीरो बने टोटल तो चार जीरो पीछे तो इतना बना मेरा आंसर ये कितना होगा टेन थाउजेंड वो उनके बराबर होगा ओके okay. ये तो था मेरा फर्स्ट पार्ट अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की सेकेंड पार्ट में क्या दिया है हाउ मैनी हॉगकॉन्ग डॉलर कैन शी चेंज फॉर रुपीज फाइव हंड्रेड एट अब मुझे हांगकॉन्ग डॉलर लिखना है ठीक है सेम प्रोसीजर सेकेंड पार्ट ठीक है वन हांगकॉन्ग डॉलर हांगकॉन्ग डॉलर एक जो हांगकॉन्ग डॉलर है वो किसके बराबर है रुपीस फाइव पॉइंट टेन के बराबर ठीक है ये आप पीछे टेबल से देख सकते हैं अब मैंने क्या बताया था उसने पूछा ना हाउ मेनी हॉगकॉन्ग डॉलर तो इसको उल्टा कर दो यहां पे और मैं इसको क्या लिख सकती हूं रुपीज फाइव पॉइंट टेन किसके बराबर है एक हॉन्ग डॉलर के ऐसे एच जी डी शॉर्ट में लिखते हैं ठीक है अब सबसे पहले क्या निकालेंगे नाउ पहले मुझे एक रुपए की कॉस्ट निकाली तो किसके बराबर होगा ये चला जाएगा डिवाइड में तो ये आएगा डॉलर के बराबर ठीक है अब नेक्स्ट कितने रुपए का चेंज करना था उसने फाइव हंड्रेड एट का तो फाइव हंड्रेड एट के लिए क्या हो जाएगा अब जो वन रुपए की कॉस्ट आई है मेरी ये फाइव पॉइंट टेन उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं फाइव जीरो एट डॉलर को ठीक है आगे हम इसका करेंगे फाइव जीरो वन इंटू फाइव जीरो एट हुआ फाइव जीरो एट और नीचे क्या बचा फाइव पॉइंट वन जीरो ठीक है अब सेम तरीका ऊपर वाले को ऐसे ही रखो नीचे वाले को फ्रैक्शन में बदलो तो फाइव हंड्रेड एंड टेन अपॉन ये कितना हो गया हंड्रेड तो इसको जब चेंज करेंगे तो फाइव जीरो एट ऐसे ही ये उल्टा हो जाएगा तो हंड्रेड ऊपर और फाइव हंड्रेड टेन नीचे ठीक है सॉल्व करते हैं जीरो से जीरो कैंसिल कितना बचा मेरा फाइव जीरो एट ऊपर और टेन मल्टीप्लाई कर दिया तो एक और जीरो लग गया अपॉन नीचे क्या बचा फिफ्टी वन अब हमने क्या करना है इनको डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे आइए डिवाइड करते हैं फाइव जीरो एट जीरो को फिफ्टी वन से डिवाइड करेंगे ठीक है अब हमने किसका टेबल देखना है फिफ्टी वन का टेबल देखना है तो सबसे पहले हम फिफ्टी वन को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बड़े नंबर से क्यों देखो ये दो नंबर का है तो दो नंबर जब मैंने देखे तो यहाँ पे फिफ्टी था अब फिफ्टी वन से फिफ्टी तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि फिफ्टी क्या है छोटा है तो हम तीन नंबर लेंगे पाँच तक तो पाँच डिवाइड कर सकता है फिफ्टी ठीक है तो हमने फिफ्टी वन का टेबल देखना है तो बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से हम आठ का टेबल देखते हैं एट वन जा एट एट फाइव सा फोर्टी फोर जीरो एट ठीक है पर एक और बार नाइन से भी करके देख लेते हैं क्या पता वो भी कम निकले नाइन वन जा नाइन नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव ये भी कम ही निकला है तो हमने लीस्ट कम वाला देखना है ठीक है क्योंकि फाइव हंड फिफ्टी वन इंटू टेन कितना हो जाता है फाइव हंड्रेड टेन ये बड़ा है तो जब बड़ा आ जाता है तो उससे पीछे वाला ही लेते हैं हम उससे उससे दो पीछे नहीं जाना है सिर्फ एक पीछे वाला ठीक है तो हम कौन सा लेंगे नाइन तो नाइन कितना आया हमारा फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन ठीक है माइनस किया कैरी गया तो बन गया इधर एटीन एटीन में से नाइन गया कितना बचा नाइन यहाँ पर रहेगा नाइन और यहाँ फोर तो नौ में से 5 गया बचा चार और चार में से चार गया हो गया कैंसिल तो अब जीरो नीचे आया तो कितना बना फोर 490 फोर नाइन्टी के लिए भी अब हमने दोबारा किससे करना है नाइन से ही 9 फोर फिफ्टी नाइन फिर से माइनस करेंगे कैरी लिया यहाँ पे आठ बचा और यहाँ पे टेन टेन में से नाइन गया कितना बचा वन और एट में से फाइव के कितना बचा थ्री ठीक है अब लगाएंगे पॉइंट पॉइंट लगाते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ जीरो थ्री हंड्रेड टेन अब थ्री हंड्रेड टेन तो एट से नहीं होगा ये ज्यादा नंबर है तो, तो हम लोग पीछे जाएंगे ठीक है पीछे जाएंगे तो फिफ्टी वन थ्री ज़ा देखते हैं थ्री वन जा थ्री थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन ना अभी छोटा है ठीक है फिर करते हैं फिफ्टी वन फाइव जा फाइव वन जा फाइव 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 ज़ा ट्वेंटी फाइव है थोड़ा पास पास में ही आया है ठीक है तो ये होगा तो हम क्या करेंगे फाइव लिखेंगे टू फिफ्टी फाइव माइनस किया यहाँ पे टेन और यहां पे जीरो तो टेन में से फाइव गया बचा फाइव कैरी लिया तो ये बन गया टू ये टेन और टेन में से फाइव अब कितना आया फिफ्टी फाइव और यहां बचा जीरो रिमाइंडर मेरा फिफ्टी फाइव आया है अब किससे करूँगी मैं वन से फिफ्टी वन यहाँ जीरो और यहां बचा फोर ठीक है अब जो है इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्या पता ये बहुत आगे तक जा रहा हो ठीक है तो हम अप्रॉक्सीमेटली डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही चीज रखते हैं तो ये मेरा कितना बना नाइन्टी तो आंसर लिखूंगी मैं नाइनटी आगे क्या था हॉन्ग डॉलर ये है मेरा इसका आंसर ठीक है ये जो डिवाइड वाला काम है या आपने अपनी कॉपी में ही बगल में ही करना है एकदम साफ साफ तरीके से ठीक है जो मल्टीप्लिकेशन वाला देख रही हूं मैं ये रफ में करना बट डिवाइड मुझे बगल में ही कॉपी में करके दिखाना है आपने अच्छे से ऑल राइट ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे दिया है अब सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या दिया है किरण वेंट फॉर शॉपिंग विद रुपीज टू हंड्रेड किरण गई शॉपिंग के लिए दो सौ रुपए लेके उसने जब बिल देखा तो ये थी उसकी चीजें ठीक है पूरा दिया हुआ है द शॉपकीपर फॉर गेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस अब शॉपकीपर ने इनके बीच में जो पॉइंट होता है यानी कि डेसिमल होता है वो डालना भूल गया तो उससे क्या हुआ इनकी मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादा उसके पास दो सौ रुपए और ये तो कहाँ जा रहा है छह हजार पांच हजार तक तो अब क्या करना है पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल अब मुझे क्या करना है सही जगह पे पॉइंट लगाना है और फिर टोटल करना है बिल का तो हम कहाँ कहाँ पॉइंट लगाएंगे यहां लगाएंगे पांच से पहले ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है फिर लगाएंगे पचास के बाद फिफ्टी पॉइंट टू फाइव फिर ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू फाइव और यहाँ पे सिक्सटी के बाद पॉइंट ठीक है यहाँ पे बीच बीच में हर दो नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया अब इनको प्लस करूंगी तो मेरा टोटल कितना बनेगा ये है मेरा टोटल ठीक है इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना था नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है सिटी सिटी कूल कौन सी ठंडी है ठंडी मतलब कि ये टेम्परेचर के हिसाब से डिग्री के हिसाब से अब ये क्या कह रहा है मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ यहाँ पे सर्दियों में दो डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है कभी कभी तो जो पानी की पाइपें हो जाती हैं वो भी बर्फ में उनकी जम जाती है अब ये औरत क्या कहती है बट मैं तो राजस्थान में हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ तक जाता है फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस तक ये बहुत गर्म जगह है ठीक है और यहाँ पे पानी लेने के लिए बहुत किलोमीटर चल के जाना पड़ता है अब ये दो अलग अलग जगहों के बारे में बताया एक हिमाचल और एक राजस्थान यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है और यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है आइए देखते हैं आगे क्या दिया है इसमें नेक्स्ट बताया है द टेम्परेचर इन ईस्ट सिटी वॉज नोटेड एट थ्री पी एम ऑन सिक्स जनवरी टू थाउजेंड एट अब यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखाया है इस मैप में ये कब नोट किया गया है शाम के तीन बजे सोलह जनवरी दो हजार आठ को हर जगह के नीचे टेम्परेचर लिखा है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन विच प्लेस हैड दाइएस्ट टेम्परेचर एट थ्री पी एम सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम थर्टी थ्री थर्टी फाइव ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी फाइव तो सबसे ज्यादा मुझे कहाँ दिख रहा है इस जगह कौन सा है ये थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस का ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे अब मैं आपको बोल के आंसर बता देती हूं यहां आपने लिखना है मुंबई हैड दाइएस्ट टेम्परेचर ठीक है और नेक्स्ट लिखा है कहाँ कूलेस्ट है तो सबसे कम टेम्परेचर मुझे कहाँ दिख रहा है श्रीनगर में तो नेक्स्ट लिखोगे श्रीनगर इज द कूलेस्ट प्लेस एट दैट हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर टू हाउ मच हायर इज देशर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर मुंबई और, और मुंबई का टेम्परेचर और श्रीनगर के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है तो इसका आंसर आपने कैसे करके लिखना है आंसर माइनस करना है हमने मुंबई के टेम्परेचर में से माइनस करेंगे हम क्या श्रीनगर का टेम्परेचर ठीक है इस तरीके से तो वन में से वन गया जीरो कैरी लेना है तो यहाँ क्या बन जाएगा फिफ्टीन और यहाँ टू तो पंद्रह में से आठ गए बचा सात और यहाँ टू तो कितना आंसर आया ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ये होगा हमारा इसका आंसर ठीक है नेक्स्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ यहां पे दिया है हमें हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच फोर्टी डिग्री सेल्सियस इन त्रिवंदुरमपुरम मतलब त्रिवेंद्रमपुरम में कितना टेम्परेचर है थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसको चालीस बनने के लिए और कितना डिग्री चाहिए तो इसमें भी जब ज़्यादा चाहिए कितना होता है वो भी क्या करना पड़ता है हमें डिफ्रेंस करना पड़ता है तो इसके आंसर में भी आपने डायरेक्ट लिखना है आंसर फोर्टी डिग्री सेल्सियस में से माइनस करूँगी त्रिवन्धरमपुरम का कितना है थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसको जब माइनस करते हैं तो कैसे लिखते हैं हम फोर्टी पॉइंट जीरो और थर्टी थ्री पॉइंट फाइव क्योंकि यहां पे पॉइंट फाइव है ना तो जो नंबर दिया है उसके बाद पॉइंट लगा के हमेशा जीरो करते हैं अब आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसका आंसर है सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ओके क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चाइना चाइना से कोलकाता का टेम्परेचर में कितना फर्क है ये हमने देखना है आइए देखते हैं कोलकाता का कितना टेम्परेचर है कोलकाता कहाँ है ये ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स और चेन्नई का कितना टेम्परेचर है ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस तो कितना कम है उसके लिए भी क्या करना है माइनस तो यहाँ पे भी क्या करना है ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस तो इसका आंसर आएगा थ्री पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है इसको आपने इसी तरीके से माइनस करके बताना है मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ बट नोटबुक में आपने माइनस करके बताना है ठीक है तो ये तो थे हमारे टेम्परेचर जो मैप में दिखाए थे शाम के तीन बजे के अब जो हमें यहाँ बॉक्स में टेम्परेचर दिखाया है ये है सुबह के तीन बजे के टेम्परेचर 3 ए ठीक है आइए देखते हैं सेम डे पे तीन बजे का जो टेम्परेचर है यानी कि उसी सोलह जनवरी का कुछ ये दिया हुआ है इन सिटीज का अब बताओ विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर तीन बजे किसका कम टेम्परेचर है और इमेजिन योअर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड फील और इमेजिन करो कि तुम अब उस जगह पे हो तुम्हें कैसी फील होगा ठीक है तो इसका आंसर आप लिखेंगे आप लिखते जाएं मैं बताती जाती हूँ इसमें लिखना है आंसर श्रीनगर ठीक है और नीचे लिखेंगे द टेम्परेचर इज 1.3 पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस मीन्स इट इज वेरी कोल्ड

टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है पहले चेन्नई में फिर भोपाल में ठीक है तो सबसे पहले हम चेन्नई का निकालेंगे लिखते हैं चेन्नई ठीक है तीन बजे शाम के तीन बजे वहां पे टेम्परेचर था ऊपर जो आपको मैप दिया था इंडिया में कितना था ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन और सुबह के तीन बजे टेम्परेचर कितना हो गया था इक्कीस पॉइंट एक तो डिफरेंस कितना आएगा यहां पे देखते हैं 29.9 डिग्री सेल्सियस माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस माइनस करके कितना आएगा 8.8 डिग्री सेल्सियस तो ये है आंसर उसी तरीके से आपने भोपाल का करना है ठीक है भोपाल में शाम के तीन बजे क्या था टेम्परेचर ऊपर आपको दिया होगा 25.9 डिग्री सेल्सियस ठीक है ये आप ऊपर से देखेंगे यहां पे दिया है 29 सॉरी 25.9 डिग्री सेल्सियस और दो बजे कितना हो गया था नाइन पॉइंट एट तो इन दोनों को माइनस करके आपने यहाँ भोपाल में नीचे लिखना है तो बच्चों ये भोपाल वाला आपने खुद करके लिखना है ऑलराइट राइट right. तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना ना भूले थैंक यू सो मच एंड अ नाइस डे